नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पार्ट नंबर 29 है, पार्ट नंबर 29 होने वाला है, तो जो कि फ्रेंड्स इसमें हम करेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। 15 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन ही मत समझना, यह 15 टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब 15 टॉपिक मतलब बात करें कि यह 15 चैप्टर से है, इसमें 15 चैप्टर हम क्लियर करेंगे इन 15 क्वेश्चनों में। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ इस जो इसमें जो लॉजिक लगेगी, इन दोनों में जो लॉजिक लगेगी, वही लॉजिक इसमें लगेगी। तो इसी तरह इसे बताना है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो चलते फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं इसका सलूशन। तो आगे क्या दिया गया, अगर आप रेलवे, बैंक, SSC, SSC CGL, SSC GD, EMTS, SSC CSSL, ITBP, SSB, BDO, CPO, अग्निवीर या ALP टेक्नीशियन, UPSSSC, आर्मी, नेवी, CTET, UPBED, बैंक PO, ग्रुप डी या एयरफोर्स या ग्रुप एक्स वाई, RPF, यूपी पुलिस, दरोगा, IB या SSC स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते फ्रेंड्स, और देरी ना करते हुए अपने प्रश्न को, तो आज का जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न होने वाला है वह दिया गया कुछ इस तरीके से। जैसे प्रश्न आकृति दी गई है और यहाँ पर उत्तर आकृति दी गई है, और प्रश्न आकृति जगह पर क्या बताना है, जैसे इसको फोल्डिंग ये कागज़ फोल्डिंग और कटिंग का है। अगर कागज़ को फोल्ड करके कुछ इस तरीके से काटा गया है, अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ से, अगर इसको हम खोलते हैं तो खोलने पर कुछ यहाँ पर जीरो जो है यहाँ पर आएगा, और ये जो है या यहाँ पर निकल के आएगा। उसके बाद जो यह है या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर इसको इधर खोलते हैं तो इधर खोलने पर या कुछ इस यहाँ पर इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पर अगर इसको हम इधर खोलते हैं तो यहाँ पर जो जीरो है ए वाला, तो ये वाला कुछ यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद जो यह जीरो है या यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो यह है और यह यहाँ पर निकल के आएगा, इधर निकल के आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से यहाँ हो जाएगा यह जीरो यहाँ पर, और यहाँ पर जो जीरो है या यहाँ पर निकल के आएगा। उसके बाद जो या जीरो है या यहाँ पर निकल के आएगा। तो ऐसा कुछ इस प्रकार से कितने जीरो हैं, तो अंदर में हम देखेंगे चार जीरो आ रहे हैं, कुछ गोला प्रकार के, गोला प्रकार के चार जीरो आ रहे हैं। तो चार जीरो इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ भी गलत हो जाएगा। इसमें दिख रहा है चार जीरो, मगर यहाँ चार जीरो जो है या यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें तो दिख रहा है चार जीरो, मगर किनारों पर बात करते हैं, किनारों पर इसमें आठ जीरो हैं। कितने जीरो हैं, आठ जीरो, इसमें तो चार ही जीरो हैं, अभी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी आता है सही जवाब, तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे हम बात करते हैं अगर इसके अंतर की फ्रेंड्स, तो इसमें अंतर की अगर बात करते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो 82 से 24 यहाँ पर कितने का अंतर है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यहाँ पर 42 का अंतर है। कितने का, 42 का अंतर है। अगर इसी तरीके से अगर 24 से हम 76 में देखते हैं, तो 24 से 76 में देखते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 52 का अंतर है। तो यहाँ से 710 में से अगर हम 92 में देखते हैं, तो 710 में से अगर 92 देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 82 का अंतर आ रहा है। कितने का, 82 का अंतर आ रहा है। तो आगे इसी तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 42 10 52, अगर 52 में 10 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 62 में 10 और ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 72 निकल के आ जाएगा। तो 72 में 10 और, तो 82 निकल के आ गया यहाँ पर। तो इसमें अगर जोड़ते हैं, अगर हम 576 में से अगर हम 62 को घटाते हैं, कितने में से, 576 प्लस का 62 अगर करते हैं तो 6 2 8 और 7 6 13 के 3 और 5 1 6, तो 638 निकल के आ जाएगा। अगर 638 को हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद इसमें जोड़ देते हैं 72, 8 2 10 हो जाएगा 0, और 3 7 3 10 10 1 11 1 6 1 7 710 निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 638 लिखा, 638 ऑप्शन नंबर किसमें, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सही कर देंगे, और उसके बाद तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही होता है, तुरंत चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है
प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स, ओम होता है। प्रतिरोध को हम किससे नापते हैं, ओम से नापते हैं। तो उसी प्रकार से बताना है कि कौन सा इसमें मात्रक होने वाला है या इसका मात्रक है। तो दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है, ना कि ताप मापी होता है। दाब का मात्रा पास्कल होता है ना कि ताप मापी होता है। अगर हम समय की मात्रक बात करते हैं, समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ना कि घड़ी होते, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो अगर तापमान का मात्रक होता है, तापमान का मात्रक थर्मामीटर नहीं होता, तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस या डिग्री फारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर दिया गया है थर्मामीटर, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स हम लंबाई की, लंबाई का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो लंबाई का मात्रक की अगर बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, जो कि बिल्कुल सही है। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके, जैसे दिया गया है कि यह है फ्रेंड्स, हमको यह इसको हमको भरना है, किसको भरना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है, कौन सी यहाँ पर अंक आने, शब्द आने वाले, जैसे देखा गया है। पहले क्या करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करना होता है तो पहले हम इसके अक्षरों को गिन लेते हैं। तो इसमें कुल कितने अक्षर हैं, तो हम कहेंगे इसमें कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुल मिलाकर इसमें कितने अक्षर हैं, हम कहेंगे 20 अक्षर हैं। 20 अक्षर से यहाँ पर कैसे बनेगा कुछ, तो अगर हम 20 अक्षर से बनाते हैं फ्रेंड्स, तो 20 अक्षर से यहाँ पर बनेगा, बनेगा कुल मिलाकर अगर 5 का बनाते हैं, एक बार 5 × 4 बनेगा, एक बार 4 × 5 बनेगा, 4 × 5 बनेगा। तो इसमें हम बनाएंगे फ्रेंड्स हम 5-5 का पेयर, कितने का, पहले तो 5-5 का पेयर बनाते हैं। अगर 5-5 के पेयर पर रिपीटेड हो रहा है तो आप कहेंगे आप बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर जी जो है रिपीटेड हो रहा है, जी फिर आ गया, तो यहाँ पर फिर कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 5 फिर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ से फिर हो गया, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं जी, जी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी जी है, तो इसलिए जी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जी के बाद यहाँ पर एफ आएगा, एफ के बाद ई है, आई है, डबल आई है, तो यहाँ पर भी आई आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जी आ जाएगा, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई यहाँ पर ई आएगा। उसके बाद क्या काम भरें, या आई एफ जी आई ई एफ आई एफ जी आई एफ जी आई ई आई एफ जी आई एफ जी आई ई आई एफ जी आई ई, तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यदि पंजाब मेल को 30 लिखा जाता है, पंजाब मेल को क्या लिखते हैं फ्रेंड, 30 लिखते हैं, और शहीद एक्सप्रेस को हम 42 लिखते हैं, मतलब 42 लिखते हैं, तो गोल्डन एक्सप्रेस को हम 36 लिखते हैं, तो मुंबई मेल को क्या लिखेंगे, तो मुंबई मेल को बताना है क्या लिखेंगे। जिस प्रकार से पंजाब मेल को हम 30 लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं पंजाब मेल को, तो पंजाब में अगर गिनते हैं इनके शब्दों को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें 10 शब्द हैं, तो 10 × 3 किया गया, 10 × 3 = 30 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से अगर इसमें देखते हैं शहीद में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 में किसका गुणा करते हैं 42, तो हम कहेंगे 14 × 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड लॉजिक हमको साफ दिख रही है, लॉजिक क्या दिख रही है, तो जितना अक्षर है अक्षरों को जोड़ करके हम 3 से गुणा कर दिए हैं, जितने अक्षर हैं उनको जोड़ करके हम उसको 3 से गुणा कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे मुंबई मेल में, तो मुंबई मेल में हम यम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हैं, तो 10 × हम 3 कर देंगे, तो निकल के आएगा 30। तो इसमें जो सही जवाब होने वाला वह क्या है, वह 30 होने वाला है, 30 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर को हम सी कर सही कर देंगे, उसके बाद तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से, क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के उसके पिता की मतलब कि किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर, महिला यहाँ पर हम मान के चलते हैं महिला यहाँ पर है, महिला यहाँ पर है और मीरा जो है मीरा यहाँ पर है। अब ये नहीं पता महिला मीरा से कैसे संबंधित है, मगर यहाँ से हम देखते हैं जो उसका दिया गया है, तो मीरा ने कहा, मीरा कह रही हो उसके पिता, मतलब इस महिला के पिता, महिला के पिता पिता फिर पिता के उसके उसके मतलब उसके पिता के एकमात्र पुत्र, पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र
पुत्र की पत्नी, पुत्र यहाँ पर पुत्र आ जाएगा इसका, तो पुत्र की पत्नी, पत्नी यह हो जाएगी यहाँ पर और यह पलक है, तो पत्नी यहाँ पर आने वाली है। पत्नी कह रही है मीरा की सास है, कह रही है मेरी सास है, मेरी सास मतलब मीरा की सास है, मीरा की सास है, मीरा की सास है, तो मीरा की सास है। तो पूछा गया है मीरा के पति, मीरा के पति तो इधर हो जाएगा, मीरा के पति, पति तो पति की यह हो जाएगी माँ हो जाएगी, पिता की पति की या माँ हो जाएगी, तो पति की माँ मतलब कि पति का, मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, फोटो वाली महिला से मीरा के पति का क्या संबंध है, तो महिला से, महिला से पूछा गया है इसका पति कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका भाई हो जाएगा, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र क्या होता है फ्रेंड्स, भतीजा होता है, तो भाई का पुत्र महिला का या भाई हो जाएगा, इसके पिता जो है, इसके पिता भाई हो जाएंगे इसके महिला के, तो महिला के भाई के जो पुत्र हो जाएगा वह इसका भतीजा होने वाला, भतीजा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए को हम सही कर देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, 17 व्यक्तियों की एक पंक्तियों में जब रवि 3 स्थान बाएं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया, बाएं सिरे से छठा हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं, 17 व्यक्ति हैं, 17 व्यक्ति हैं। अब रवि की जो पहले वाली स्थिति थी, पहले वाली स्थिति यहाँ पर थी, या थी पहले वाली स्थिति, पहले वाली स्थिति, तो पूछा गया है कि मतलब कहा गया है फिर अगर 3 स्थान, 1, 2 और 3, 3 स्थान कह रहा है वह बाईं ओर खिसकता है, 3 स्थान वह बाएं सिरे से छठा हो जाता है, मतलब 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है, पहले 1, 2, 3। अब कहा गया है अब की स्थिति, अब की स्थिति वह यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर वह बताया गया कि बाएं सिरे से उसकी स्थिति कितनी है, छठवीं है, छठवीं है, तो यहाँ पर जो पहले वाली स्थिति 6, 7, 8 और 9, तो पहले वाली स्थिति क्या थी, पहले वाली स्थिति बाएं सिरे से 9 थी, बाएं सिरे से कितनी थी फ्रेंड्स, 9 थी। अब उसको पूछा गया कि बाएं पंक्ति से मतलब पंक्ति से दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताइए, तो पहले वाली स्थिति मतलब यही है, तो इसको बताना है दाहिने सिरे से, दाहिने सिरे से इधर से बताना है कि यहाँ पर यह स्थिति कौन सी है, तो अगर दाहिने सिरे से ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो टोटल हमको दिया गया, टोटल क्या है 17 है, तो 17 में एक जोड़ देंगे, 17 में एक जोड़ देंगे और माइनस का 9 कर देंगे, तो 17 में एक जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 9 करेंगे तो फ्रेंड्स वह 9 आ जाएगी, उसकी मतलब कि जो दाहिने सिरे से स्थित है वह 9 निकल के आ रहा है, 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी को हम सही कर देंगे, उसके बाद तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर पूछा गया कि कौन सी संख्या आने वाली है, तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसमें हम 3 प्रकार से लॉजिक लगता है, एक तो ऊपर से ऊपर लगता है, फिर बगल से बगल लगता है, अगर बगल से बगल लगता है तो नीचे से नीचे लग जाएगा, उसके बाद एक लगता है तिरछा, तिरियक में लगता है, कैसे लगता है फ्रेंड, तिरछा में लगता है, मतलब कि एक तो हो गया ऊपर से ऊपर वाले में और दूसरा हो गया बगल से बगल वाले में और तीसरा हो गया करास मतलब कि तिरियक गुड़ा में, तो इस प्रकार से हम इसको चेक करते हैं, पहले हम करेंगे इसको ऊपर से ऊपर गुड़ा, अगर हम 5 × 3 करते हैं तो आ जाएगा 15, अगर हम 6 × 8 करते हैं तो 8 × 6 = 48, अगर 15 में 48 को जोड़ देते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 8 × 5 = 13 और 4 × 5 = 6, तो 63 निकल गया, 63 जो कि यहाँ पर भी दिया गया है, 63 दिया गया। इस प्रकार से अगर इसको देखते हैं तो 7 × 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा और 9 × 3 करेंगे 27 आ जाएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स 27 निकल के आएगा, तो 7 और 4 = 11 आ जाएगा और 2 × 1 = 3 = 4 आ जाएगा, 41 निकल गया, तो 41 यहाँ पर भी दिया गया है, तो 41 यहाँ पर भी दिया गया। अगर इसको बात करते हैं तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा यहाँ पर और 8 × 5 = 40, यहाँ पर 40 को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 4 × 4 = 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 82 हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे फ्रेंड्स 82 हम लिख देंगे, तो 82 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 82 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों, विकल्पों में से कौन सा चित्र न्यायाधीशों, चोरों और अपराधों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, सही संबंध को दर्शाता है, अगर इसमें बात करते जो दिया गया है, अगर इसमें बात करेंगे हम तो सभी चोर क्या होते हैं फ्रेंड्स, चोर,
चोर जो होते हैं, सभी चोर जो होते हैं वह अपराध के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अपराध किए हुए हैं, अपराध के अंदर आएंगे। मगर जो है, अगर चोर और अपराध में देखेंगे तो न्यायाधीश जज होते हैं, ये सबसे अलग होते हैं, मतलब इनसे सबसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा जज, जज हो जाएगा। तो पूछा गया इसका किससे संबंधित, तो या इस प्रकार से दिख रहा है, यस इस प्रकार से किस में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार से, जैसे दिया गया है फ्रेंड्स, यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न। किसका प्रश्न है? कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है, मतलब कहते हैं इसको सिरेलिज्म का यह प्रश्न है। तो कथन और निष्कर्ष के प्रश्न में क्या होता है, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हम बेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया कि कथन नंबर एक है, सभी घुसपैठियों सैनिक हैं, सभी जो घुसपैठी हैं घुसपैठिए हैं वह सैनिक हैं। क्या है फ्रेंड्स? वह सैनिक हैं। और सेकेंड वाला क्या दिया गया है? सेकेंड वाला दिया गया है कि सभी सैनिक छापा मार हैं। अब जो सभी सैनिक हैं फ्रेंड्स, यह छापा मार हैं। यह क्या है फ्रेंड्स? यह छापा मार हैं। अब पूछा गया है निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी घुसपैठियाँ छापा मार हैं। क्या सभी घुसपैठियाँ जो हैं वह छापा मार हैं? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है। सभी घुसपैठियाँ जो हैं छापा मार नहीं है, हैं। और सेकंड दिया गया सेकंड, सभी छापा मार घुसपैठियाँ हैं। क्या सभी छापा मार जो हैं वह घुसपैठियाँ हैं? तो हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। उसमें तो सभी छापा मार नहीं, उसमें तो कुछ सैनिक भी हैं और कुछ के खाली भी हैं। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। अगर फिर बात करते हैं थर्ड में, तो कुछ छापा मार घुसपैठियाँ हैं। क्या कुछ छापा मार जो हैं वह घुसपैठिया है? क्या कुछ छापा मार वह घुसपैठिया? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा निष्कर्ष सही होता है? तो हम कहेंगे एक और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही होता है। फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष सही होता है। या किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को हम सही मार देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, रमेश की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं। रमेश की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं। रमेश की घड़ी में शाम 4 बजे हैं। शाम 4 बज गए हैं, शाम 4 हम बजा देंगे घड़ी में। तो घड़ी बनाते हैं, पहले एक घड़ी बनाएंगे हम। तो घड़ी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना देंगे 12, यहाँ पर होता है फिर क्या होता है 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 6 होता है और इधर 9 होता है। तो इधर हम बना देंगे फ्रेंड्स 12 कितना बना 8 बना 8 बजा देंगे। तो 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, 7 यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 लिया गया तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बजा देंगे कितना बजाया गया है, यहाँ पर बजाया गया है 4 बज गए हैं। तो शाम के 4 बजे, शाम के 4 मतलब कि यहाँ पर छोटी सुई यहाँ पर आएगी और जो बड़ी वाली सुई है यहाँ पर आएगी। अब पूछा गया है कि घंटे की सुई, अब घंटे वाली सुई यही तो है, घंटे वाली सुई यही तो है। अब इसको कुल 120 डिग्री घुमाया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें कुल मिलाकर कितने डिग्री का कोण होता है, हम भाई कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। और इसमें जो कोण बनते हैं वह मिनट कितने होते हैं फ्रेंड? तो हम कहेंगे मिनट की अगर बात करते हैं तो मिनट होता है इसमें 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट से हम भागा दे देंगे, तो 60 मिनट से हम भागा दे देंगे 1 0 से 1 0, 6 से 6, तो 6 से 36 हो जाएगा। तो 6 डिग्री बनेगा 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कितना बनेगा 6 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से 5 मिनट बराबर कितना बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा फ्रेंड। तो 30 डिग्री बन जाएगा। अगर हम भाग देंगे 120 में 30 से भागा देगा तो 4 बार बनेगा, 5 चौक 20 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 4 में अगर 20 को जोड़ते हैं, यहाँ से 20 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 होता है, 4 20 पर होता है। और 8 का 4 अगर 20 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 40 हम कहेंगे या 8 पर निकल के जाएगा, 40 कहाँ पर जाएगा, 8 पर निकल के हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 40, तो 8 पर छोटी सुई को हम लगा देंगे, 8 पर छोटी सुई को लगा देंगे। तो यहाँ से यह छोटी सुई जो है वह हट जाएगी, या छोटी सुई जो है या यहाँ से हट जाएगी। तो अब कितना बच गए फ्रेंड्स? तो अब बच गए हैं, अब 8 बज गए हैं। शाम के कितना बज गए हैं? अब शाम के हम कहेंगे 8 बज गए, क्योंकि बड़ी वाली सुई में कोई चेंज नहीं किया गया, जो छोटी वाली सुई है उसको 120 डिग्री घुमाया गया है। तो 120 डिग्री घुमाया गया वह सीधे 8 पर पहुंचेगा। तो 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 8 शाम के बज जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ए आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित
विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अगर हम बात करते हैं यक्ष से जेड में, तो यक्ष से जेड में या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और कौन विपरीत होगा, और वाई से पी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, कौन वाई से पी एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे, फिर क्यू से आर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, क्यों से आर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्या क्या विपरीत हैं, तो हम कहेंगे विपरीत हैं यक्ष से जेड और वाई से पी और उसके बाद क्यों से आर, क्यों से आर एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के ये अपोजिट हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वह जो है वह विपरीत मतलब कि वह बगल बगल नहीं आ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यक्ष और जेड में, तो यक्ष जेड एक दूसरे के दुश्मन है, तो यह बगल तो नहीं आ सकते हैं, या तो गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेकंड में, तो वाई और पी एक दूसरे के दुश्मन है, तो यह भी बगल में नहीं आ सकते हैं। अगर फिर इसमें बात करते हैं, तो वाई और पी इसमें भी दिख रहा है, तो यह भी एक दूसरे के दुश्मन है, यह भी नहीं आ सकते हैं। अगर आर पी यक्ष देखते हैं, तो यह दोनों आ सकते हैं, तो यह ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बनाया जा सकता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, याद किसी सांकेतिक भाषा में 324 का अर्थ लाइट इज ब्राइट है, लाइट इज ब्राइट है, और 629 का अर्थ जो है गर्ल इज ब्यूटीफुल, गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है फ्रेंड्स, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में देखते हैं, फिर उसके बाद पूछा गया 4758 का अर्थ है आई प्रेफर ब्राइट क्लॉथ, तो इस भाषा में किस संख्या का अर्थ लाइट है, तो हमको लाइट का अर्थ देखना है, लाइट का अर्थ देखना है, तो लाइट सिर्फ ऑप्शन सिर्फ इसमें दिख रहा है लाइट, तो लाइट इसमें दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं लाइट का कोड क्या होगा, तो इसमें अगर देखते हैं इज और इज दोनों में काम आ रहा है, तो इज को हम काट देंगे, तो उसके बाद देखते हैं दोनों में क्या अंक कॉमन आ रहा है, दोनों में जो अंक कॉमन आने वाला है वह दो आने वाला, तो दो को हम दो से काट देंगे, दो को दो से काट देंगे। अब उसके बाद थर्ड वाले में चेक करते हैं, थर्ड वाले में देख रहे हैं ब्राइट कॉमन आ रहा है, तो ब्राइट का हम ब्राइट काट देंगे। अब दोनों में अंक कौन सा कॉमन है, तो हम कहेंगे चार इसमें भी है और चार इसमें भी है, तो चार चार कॉमन कट जाएंगे। अब बचा है सिर्फ लाइट, लाइट का कोड क्या बच गया, तीन बच गया है, तो तीन किस ऑप्शन में फ्रेंड्स, तो तीन ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, आठ कार्यकारी अधिकारी जे के एल एम एन ओ पी और क्यों बैठक करने के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अब आठ है, तो इसमें नहीं बताया गया कि केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, तो हम इसको बैठा देंगे केंद्र की ओर मुंह कर। अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया रहता कि उसमें इंक्लूड नहीं है कि केंद्र की ओर मुंह किए हैं या बाहर की ओर, तो उसमें हम मान के चलते हैं केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। तो यहाँ पर आठ लोग को बता दें, एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ, आठ लोग को हम बैठा दिए। अब जब केंद्र की ओर मुंह करें तो इसका उत्तर इधर क्या हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर फ्रेंड क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब बताया गया कि जे पी के दाएं को दूसरा है, जे जो है वह पी के दाएं दूसरा है, पी यहां पर अगर है, अगर पी को हम यहां पर बैठा दें तो इसके दाएं को दूसरा, पहला दूसरा जे है, पहला दूसरा कौन है, जे है, जे हो जाएगा यहां पर। उसके बाद फिर बताया गया है, फिर क्या होता है, फिर बताया गया है कि के जो के दाएं को तीसरा, जो किसके लिए बताया गया, पी के लिए बताया गया, जो किसके लिए बताया वह दूसरे शब्द के लिए बताया गया, जो पी के दाएं को तीसरा, जो के दाएं को तीसरा है, के दाएं ने तीसरा है, तो के दाएं ने पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो के यहाँ पर आने वाला है, के यहाँ पर आने वाला है, तो पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा पी हो जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया यम ओ के बाएं दूसरा है, यम जो है वह ओ के बाएं दूसरा है, जो मतलब कि ओ के लिए बताया गया, जो पी तथा जे के बीच में बैठा है, जो पी तथा जे के बीच में बैठा है, पी तथा जी के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है, जो किसके लिए होता है, जो सेकेंड आता है उसके लिए होता है जो, तो यहाँ पर ओ बैठ जाएगा और यहाँ पर यम बैठ जाएगा, यम बैठ जाएगा, तो यम जो है वह ओ के बाएं दूसरा नहीं है, तो ओ के बाएं दूसरा नहीं है, यम है। अब फिर उसके बाद होता है जे के, जे जो है यल जो है वह के या यन का पड़ोसी नहीं है, के या यन का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा यन और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा यल, और उसके बाद क्या बच गया,
अब बच गया है सिर्फ क्यों, क्यों को हम यहाँ बैठा देंगे। अब पूछा क्या गया, यल के तुरंत बाएं को कौन है, यल के तुरंत बाएं को कौन है, तो यल के तुरंत बाएं को जे है, जे फॉर जोकर है। तो जे फॉर जोकर किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सही आता है तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकल्पों में दिया गया कौन सा अक्षर समूह नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, इसके स्थान पर कौन से हम अंक भर दें, शब्द भर दें, किया इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे हम बी से यफ में बात करते हैं, तो बी होता है टू पर और यफ होता है सिक्स पर। तो बी से यफ कैसे बनाया गया फ्रेंड, तो हम कहेंगे बी से यफ बनाया गया यहाँ पर प्लस का चार जोड़कर। प्लस का कितना जोड़ा गया है, प्लस का चार जोड़ा गया है, प्लस का चार जोड़ दिया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ से यन से आर, यन से होता है 14 पर और आर होता है 18 पर, यहाँ पर भी प्लस का चार किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम यफ है, यफ होता है 6 पर, 6 में अगर चार जोड़ते हैं फ्रेंड तो आ जाएगा 10 हो जाएगा। 10 पर क्या आता है, 10 पर हम कहेंगे जे आता है, 10 पर क्या आता है फ्रेंड जे आता है। जे में अगर 10 में अगर हम चार जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 पर क्या आता है यन आता है, तो यन भी यहाँ पर दिया गया है। तो पहले क्या जाएगा, पहले जे आएगा, तो जे सम में दिख रहा है, तो सम में हम देख लिए, तो सम में दिख रहा है। अब उसके बाद सेकंड वाले चेक करते हैं, यम से ओ, यम से ओ कैसे बनाया फ्रेंड, यम होता है 13 पर और ओ होता है 15 पर, तो प्लस का 2 किया गया है, प्लस का 2। यहाँ पर अगर हम यस से यू चेक करते हैं, तो फ्रेंड्स यस होता है 19 पर और यू होता है 21 पर, तो प्लस का 2 यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम प्लस का 2 कर देंगे। तो ओ होता है फ्रेंड्स 15 पर, 15 और 2 17, मतलब जे क्यों, जे क्यों आएगा 17 पर, क्या था क्यों आता है, तो जे क्यों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, मतलब कि 2 ए ना ए में दिख रहा है ना बी में दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। अब उत्तर जो होगा इन दोनों में से होगा, मतलब 50-50 में से होगा। अगर हम ए का बी से बात करते हैं तो प्लस का 1 किया गया है, प्लस का 1 किया गया है। इसी प्रकार से अगर डी का ई से बात करते हैं तो प्लस का 1 किया गया है, तो यहाँ पर भी हम प्लस का 1 कर देगा। बी से क्या हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा, जे क्यू सी या दोनों में दिख रहा है। अब अंतिम वाला चेक करते थे, यू या भी आएगा, तो ओ से आर बना है, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, तो प्लस का 3 किया गया है। इसी प्रकार से अगर एक्स है और ए है, एक्स होता है फ्रेंड 24 पर और ए होता है 27 पर, तो 24 और 3 27, यहाँ पर भी प्लस का 3 किया गया है। इसी प्रकार से हम आर में अगर प्लस का 3 जोड़ देते हैं तो 18 में 3 जोड़ेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा 21 पर क्या आता है, यू आता है। तो यू जे क्यू सी यू, तो यह किस ऑप्शन में दिख रहा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है सही जवाब, तुरंत उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह होता है फ्रेंड्स होमवर्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, होमवर्क, आखिरी प्रश्न हर एक वीडियो में हमारा होता है होमवर्क का प्रश्न होता है। तो होमवर्क का प्रश्न जैसे दिया गया है, इनमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऐसे नहीं था, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से 8:36, समानुपाते 6 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, उसके बाद फिर समानुपाते यहाँ पर था फ्रेंड्स, क्या था यहाँ पर था 12:76। तो यह इस प्रकार से दिखाया गया है, तो बताना है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या संख्या, कौन सी संख्या हम भर दें, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल के आएगा। धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।